नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप शनि महाराज को मानते हैं तो खास कर शनिवार के दिन ये अशुभ कार्य कभी ना करें। शनि देव को होती है पीड़ा, शनिवार को कभी भी ना करें ये काम। दोस्तों शनिवार का दिन शनि महाराज को समर्पित माना जाता है, इस दिन भगवान शनि की पूजा की जाती है। शनिवार को शनि महाराज का बेहद प्रिय दिन माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन जो भी शनिदेव का भक्त सच्चे दिल से उनसे जो कुछ भी मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खासकर शनिवार के दिन कभी भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और शनि महाराज आपसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन सबसे भारी ग्रह माना गया है। अशुभ शनि अमंगलकारी हो जाता है, जिसके प्रभाव से प्रभावित जातक क्रोधित, आतंकवादी, दुराचारी और विद्रोही हो जाता है। व्यक्ति पर शनि अगर अशुभ हो जाए तो व्यक्ति कंगाल हो जाता है, घर में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में शनिदेव का जयकारा जरूर लगा दीजिए। जय शनिदेव। शनिदेव आपके सभी बिगड़े कार्यों को अवश्य पूरा करेंगे। तो चलिए जानते हैं नंबर एक। खासकर बात जब शनिवार की हो तो व्यक्ति को संबंध बनाने नहीं चाहिए। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो इसी भोग विलास में डूबे रहते हैं कि उन्हें शनिदेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसा पाप भूलकर भी मत करना। कम से कम इस दिन स्त्री से दूरी बनाकर रखें। इस दिन भोग विलास करने से या तो संतान किन्नर पैदा होती है या फिर बिगड़ैल। दोस्तों नंबर दो। खासकर शनिवार को जब घर में कुत्ता बिल्ली रोते हैं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये घर में गरीबी आने का संकेत हो सकता है। झगड़े आदि घर में हो सकते हैं। दोस्तों नंबर तीन। शनिवार को टूटी कंघी का इस्तेमाल, टूटे हुए आईने का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह अशुभ परिणाम देने लगता है और व्यक्ति कंगाल हो जाता है। दोस्तों नंबर चार। शनिवार के दिन घर में किसी भी चीज का टूटना मनहूस माना गया है। शनिवार के दिन टूटे हुए वाहन पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए, इससे आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। खासकर जो लोग शनिवार को नहीं नहाते तो उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिलती। आप इस बारे में शास्त्र को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार या तो कंगाल बना देता है या फिर मालामाल। दोस्तों नंबर पाँच। अगर आप शनिदेव से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं या उन्हें थोड़ा सा भी मानते हैं तो इस दिन शनि भक्त को लहसुन प्याज मांस मदिरा दारू सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगर आप इस दिन इसका सेवन करेंगे तो शनि महाराज को कष्ट आते हैं और आपको भी पाप लगता है, इससे आपके ग्रहों की स्थिति खराब होती है। दोस्तों नंबर छह। शनिदेव को न्यायाधीश देवता कहा गया है, जो सबका न्याय करते हैं। मुख्य से गलती से भी कभी शनिवार के दिन आपको झगड़े आदि नहीं करने चाहिए। खासकर जैसे कि हमने आपको बताया कि इस दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, स्त्री को कष्ट नहीं देना चाहिए, चुप कर किसी की बात नहीं करनी चाहिए, स्त्री को नहाते हुए कभी भी नहीं देखना चाहिए, स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखना चाहिए, शनि अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों नंबर सात। इस दिन शनि मंदिर में बगैर हनुमान जी के दर्शन किए शनि देव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए शनि देव की पूजा के बाद हनुमान जी के दर्शन करना कतई ना भूलें, बहुत ही शुभ होता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल में तिल डालकर दीपक जलाना चाहिए और अंत में शनि देव को तिल चढ़ाना चाहिए, इससे व्यक्ति के सभी कष्ट शनि देव हर लेते हैं। दोस्तों नंबर आठ। जो लोग शनिवार को दान देते हैं उनसे शनिदेव अति प्रसन्न रहते हैं। हमेशा याद रहे, शनिवार को तिल खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए बल्कि इसका दान करना चाहिए। दोस्तों नंबर नौ। शनिवार के दिन अचानक से खर्चे बढ़ जाना, कर्ज बढ़ जाना, दूध का गिर जाना, कांच का टूट जाना या फिर तेल का गिर जाना, ये सभी संकेत हैं कि आपके आने वाले समय में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। ये संकेत बताते हैं आपके घर में राहु केतु का वास है, शनि आपसे नाराज हैं। ऐसे में आप सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार का दिन भगवान शनि देव का रहता है, लेकिन अधिकांश लोगों को ये कम ही पता होता है कि शनिवार का दिन श्री राम भक्त और अत्यंत बलशाली भगवान हनुमान जी का भी रहता है। जिस भी व्यक्ति पर इन दोनों की कृपा हो जाए वो भव्य सागर पार हो जाता है। शनिदेव
देव की दृष्टि से मनुष्य धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, तो महाबली हनुमान जी की दृष्टि से मनुष्य के दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। शनि देव और हनुमान जी की लाभकारी दृष्टि और उनका आशीर्वाद पाने हेतु शनिवार को ये टोटके जरूर करें, जिससे आपके जीवन में बदलाव के साथ सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे एवं अटका हुआ धन तथा धन लाभ मिलने लगेगा। पहला उपाय आपकी साढ़े सती दूर करेगा। भगवान शनि देव बड़े ही दयालु हैं, जो भी भक्त उनको सच्चे मन से याद करता है शनि देव उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको शनि देव की साढ़े सती और ढैया या कोई अन्य दोष है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथों से स्पर्श करके पीपल के पेड़ की सात परिक्रमा करें। ये आप हर शनिवार को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रहे कि पीपल की परिक्रमा के दौरान आप ओम शना शनिश्चराय नमः का जाप अवश्य करें। दूसरा उपाय जो अब मैं आपको बताऊंगा, वो आपकी बंद तकदीर के द्वार खोल देगा। शनिवार को शनिदेव के साथ ही भगवान हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार की शाम को मछलियों को दाना डालें तथा चींटियों को आटा डालिए। इससे शनिदेव व हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। अगर आप पर कोई कर्ज हो या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो हर शनिवार को ये टोटका जरूर करें। इसका असर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये उपाय आप धन लाभ के लिए कर सकते हैं। अगर आप अत्यधिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उपाय करें। शनिवार का दिन शनिदेव के साथ ही हनुमान जी के नाम पर भी रहता है। शनिवार के दिन आप दोनों भगवान के नाम का उपवास करें। शनिवार की शाम को आप एकासना तोड़ने से पहले एक रोटी लें और उसे अपने सामने रख कर अपनी इच्छा और मनोकामना कहें। जब आप ये करें तब रोटी साफ बर्तन में आपके सामने होनी चाहिए। अपनी मनोकामना कहने के बाद उस रोटी को किसी भी काले कुत्ते या काली गाय को खिला दें। ये टोटका करने से आपके सारे बिगड़े काम सवरने लग जाएंगे और अटका हुआ धन आने लगेगा। अगर आपके दुश्मन ने आपकी नाक में दम कर रखा है तो उन्हें अगर आप हराना चाहते हैं तो आप ये उपाय करें। शनिवार के दिन भगवान शनि देव को तिल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तिल का दीपक करना चाहिए। शनिवार के दिन ये दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका ये करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल या काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। ये टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी दोनों की कृपा बन जाएगी। फिर आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो अपने आप ही आपसे दुश्मनी खत्म कर लेगा। शनिवार को कुछ चीजों की खरीदारी ठीक नहीं होती है। इन चीजों की खरीदारी से सर पर बोझ बढ़ता है और जीवन में कलेश बढ़ता है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि शनिवार को क्या करना ठीक होता है और क्या नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि शनिवार को किन चीजों को खरीदारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर एक, तिल। शनिवार के दिन तिल की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस दिन तिल की खरीदारी करने से घर में शारीरिक कष्ट और बीमारियां आती हैं। नंबर दो, लोहा। शनिवार को भूल कर भी लोहे की चीजें ना खरीदें, इससे शनिदेव नाराज होते हैं। नंबर तीन, कोयला। इस दिन कोयले की खरीदारी भी मना है। घर में इस दिन किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा समय शुरू हो जाता है। नंबर चार, चमड़ा। शनिवार को चमड़ा यानी चमड़े की कोई भी बनी हुई वस्तुएं, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। ये खरीदने पर आपकी सफलता में रुकावट आ सकती है। नंबर पाँच, झाड़ू। शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने से घर में आर्थिक तंगी होने लगती है। नंबर छह, काला तिल। शनिवार को काले तिल की खरीदारी वर्जित मानी गई है। शनि दशा में काले तिल का दान विशेष महत्व रखता है, किंतु शनिवार को घर में काले तिल का आगमन शनि देव के आगमन के समान है। नंबर सात, नमक। शनिवार को नमक खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। शनिवार को खरीदा गया नमक घर में बीमारियां ला सकता है, इससे कर्ज भी बढ़ता है। नंबर आठ, स्याही। शनिवार को स्याही नहीं खरीदनी चाहिए, ये आपको अपयश या कलंक दिला सकती है। स्याही किसी प्रकार की भी हो, उसे ना खरीदे। पेन, पेंसिल, कलर इत्यादि की खरीदी इस दिन ना करें। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।